वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 में जाने से पहले हमें पढ़ना होगा सेक्शन 2.3 जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। हम जानते हैं कि जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो इसका जीरो जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी बाई ए। ये होती है जीरो ऑफ द लीनियर इक्वेशन पॉलीनोमियल। अब इसके बाद अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो हमारे पास दो रूट्स निकल कर आएंगे, यानी दो जीरो वैल्यू निकल कर आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिनको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली है 2x² - 8x + 6। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे की जाती है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा, 2 6 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 6 2 3 एंड 3 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, 2 2 3। अब 2 2 3 इनका इनमें प्रोडक्ट और एडिशन का यूज़ करके इस तरह से कुछ करिए कि जो मिडिल टर्म है, जो 8 है, जो कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म है 8, ये आ जाए हमारे पास। तो 3 2 6 + 2 8 आ गया। तो अब हम स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को 6 और 2 के फॉर्म में। सो 2x² लिखा, माइनस माइनस लिखा, ब्रैकेट लगाया, पीछे है प्लस सिक्स लिखा, पीछे वाला साइन बीच में लगाया। अब हमें चाहिए था 8, तो हमने कैसे स्प्लिट किया था 2 2 3 को, 3 2 6 + 8। सो हम कर देंगे 6x + 2x। अब सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे और पेयर्स बना देंगे कॉमन फैक्टर्स के, तो हमारे पास दो ग्रुप्स निकल कर आ जाएंगे। एक होगा 2x ब्रैकेट में x - 3 माइनस 2 एंड ब्रैकेट में x - 3। सो x - 3 का एक पेयर बना दिया, दूसरा बन गया 2x - 2 का। अब यहाँ से हम जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास दो रूट निकल कर आएंगे, एक होगा x = 1 और दूसरा होगा x = 3। सो हमारे पास दो रूट्स निकल कर आ गए इस इक्वेशन के, 1 एंड 3। सो द वैल्यू ऑफ px इज 0 व्हेन x = 1 और x = 3। सो द जीरोज ऑफ द 2x² - 8x + 6 आर 1 एंड 3। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो रूट वैल्यू आई है वो है 1 और 3। अब अगर मैं 1 और 3 का सम करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4। और अगर मैं इस इक्वेशन को फोकस करके देखूँ तो मुझे दिखेगा कि अगर मैं माइनस इंटू एक्स का जो कोफिशियंट है -8, उसको डिवाइड कर दूँ 2 से, जो कि है कोफिशियंट x² का, तो भी मेरे पास 4 आ रहा है। तो यानी कि एक पैटर्न मेरे पास दिमाग में आया कि अगर मैं कर दूं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x², तो मेरे पास जो पहला रूट होता है, जो समेशन ऑफ रूट है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे ही मैंने दूसरा पैटर्न देखा कि अगर मैं दोनों रूट्स को प्रोडक्ट कर दूं, 1 × 3 कर दूं, तो मेरे पास 3 आ रहा है। अगर मैं इक्वेशन को गौर से देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अगर मैं कोफिशियंट ऑफ x² से डिवाइड कर दूंगा, जो कि 2 है, तो 6 / 2 = 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है रूट्स। तो यहाँ से मुझे देखने को मिले दो पैटर्न कि अगर मैं समेशन ऑफ जीरोस करता हूँ तो वो बराबर है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², और अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ ऑफ बोथ द जीरोस तो वो इक्वल है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ x². यही इस एग्जांपल में बताया गया है। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए दो रिलेशनशिप मिल गए हैं कि सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x². इसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इसको ब्रेक कर देते हैं इसके जनरल फॉर्म में, जो कि है k x - α and x - β, क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फ़ा वैल्यू रखने पर इक्वेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए। सो x - α will be equal to 0। ऐसे ही बीटा भी अगर रूट है तो बीटा रखने पर जो वैल्यू है इक्वेशन की वो ज़ीरो आनी चाहिए। सो x - β is equal to 0। अब x - α and x - β और कुछ एक रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म एस के x - α into x - β। नाउ हेयर वी कैन राइट के एंड ब्रैकेट में अगर हम ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x² - α + β into x + α β, और इनकी वैल्यू हमने अभी अभी पता की थी कि सम ऑफ द
जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसके लिए हमें दो रिलेशनशिप्स मिल गए थे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स वी गेट ए, यानी ये जो एग्जाम्पल चल रहा था, अगर हम LHS और RHS में कोफिशियंट्स जो हैं वेरिएबल्स के उनको कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ए की जो वैल्यू है वो है k, b की जो वैल्यू है वो है माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा और c की जो वैल्यू है वो है k अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी समेशन ऑफ द ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो होता है c अपॉन a। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें दो रिलेशनशिप मिल गए हैं रिगार्डिंग इट्स ज़ीरो वैल्यूज़। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। सो ये दो रिलेशनशिप्स हमें मिल गए हैं। इसके बाद एग्जाम्पल टू, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। वी हैव, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कैसे करेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले कितना आएगा 10, इस 10 का हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा, सो 5 और 2। अब 5 और 2 का कुछ प्रोडक्ट और सम ऐसा करिए कि 7 आ जाए, सो 5 प्लस 2 7। तो हम इसी तरह इसको स्प्लिट कर देंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट बंद पीछे प्लस 10, पीछे वाला जो साइन है ये बीच में लगा दिया। अब 5 हमने स्प्लिट कैसे किया था, 5 प्लस 2 7, जो बीच वाली टर्म थी 7 उसका कोफिशियंट, सो इसी तरह हम लिख देंगे पहले 5x एंड फाइव एक्स एंड टू एक्स। अब इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो हमारे पास जो दो पेयर बन के आएंगे कॉमन वो होंगे एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फाइव। कैसे आएगा, एक देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 5x और दूसरा जो बनेगा वो होगा प्लस 2x प्लस 10। सो यहाँ से कॉमन निकलेगा बाहर x, x प्लस 5 आएगा और इससे जो कॉमन निकलेगा वो होगा 2, सो x प्लस 5 आएगा। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे और दूसरा पेयर जो हमारा बनेगा वो होगा एक्स प्लस 2 का। तो इस तरह से ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये हम पूरी कर सकते हैं और आपको रिजल्ट में ये मिलेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसके बाद सो द वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज़ 0 व्हेन, यानी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी जब एक्स प्लस 2 जो है ये 0 के बराबर होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस 2 होगी, और दूसरा जब एक्स प्लस 5 जो है ये 0 के बराबर होगा यानी एक्स की वैल्यू जब माइनस 5 होगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास जो निकल कर आए हैं वो हैं माइनस 2 एंड माइनस 5। अब हमें बोला गया है कि जो रिलेशनशिप हमने पहले पता किया था क्वाड्रेटिक रूट्स को लेकर उसको वेरीफाई करो, तो हमने पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो वो होगा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर अगर हम करें अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो होगा माइनस 7, और अगर हम माइनस बी अगर देखें इक्वेशन में तो वो कितना है माइनस 7 और ए जो है यहाँ पर 1 है माइनस 7, हैंस रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। दूसरा जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था पिछले एग्जांपल में वो था अल्फ़ा एंड बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 5 विल बी इक्वल टू प्लस 10। यहाँ पर इक्वेशन में अगर हम सी की वैल्यू देखें तो 10 है, सो 10 डिवाइड बाय ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि 1 है, सो यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर आ गया, यानी फिर से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये बताया गया है सेकंड एग्जांपल में आपको। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। अब एक्स माइनस 3 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट्स क्या होते हैं जहाँ पर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 से इक्वेट कर देते हैं इसको, 0 से इक्वेट करने के बाद हम 3 को भेज देंगे उस तरफ तो वो हो जाएगा प्लस 3। अब प्लस 3 का हम रूट निकालेंगे क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर है और वहाँ पर 3, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट 3, यानी दो रूट्स हमारे पास निकल कर आ गए हैं, कौन कौन से, प्लस 3 एंड माइनस 3। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे रूट 3 एंड माइनस रूट 3, सो इट विल बी 0 और यहाँ पर माइनस बी जो है, बी क्या है एक्स का कोफिशियंट और इस इक्वेशन में तो एक्स वाली टर्म है ही नहीं, यानी उसका कोफिशियंट 0 है, सो 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी 1, सो 0, सो 0 इक्वल टू 0 यानी वेरीफाई हो गया हमारा रूट्स का रिलेशनशिप। दूसरा जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था वो था अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, अब अल्फ़ा यानी रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू माइनस 3,
इक्वल टू सी, इस इक्वेशन में सी जो है वो है माइनस थ्री डिवाइड बाय ए, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो वो तो वन है, तो यहाँ भी आ गया माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, यानी हमारा रूट्स से रूट्स के बारे में जो रिलेशनशिप था वो फिर से प्रूफ हो गया। तो ये बताया गया है आपको एग्जाम्पल थ्री में। इसके बाद एग्जाम्पल फोर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो आर माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली। अब हमने मान लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसके जीरोज जो हैं वो अल्फा और बीटा रहे होंगे। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ के बताओ जिसके जीरोज का सम जो है वो माइनस थ्री हो और प्रोडक्ट जो है वो टू हो। अब हमने पढ़ा है पहले एग्जाम्पल में कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा और बी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज़ की वैल्यू दी गई है माइनस थ्री, तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो हमें इस एग्जांपल में दी गई है वो है टू, यानी सी बाय ए इज इक्वल टू टू। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस थ्री इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड टू इज इक्वल टू सी बाय ए। अब अगर मैं ए की वैल्यू वन मान लेता हूँ तो क्या होता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री और सी की वैल्यू आ जाएगी टू। तो अब मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, जनरल इक्वेशन हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए मैंने वन माना है तो वन एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री और सी की वैल्यू कितनी आ रही है टू। सो ये लीजिए, ये वो इक्वेशन है जिसके जीरोज़ का सम जो है वो माइनस थ्री होगा और जीरोज़ का प्रोडक्ट जो है वो टू होगा। सो हैंस ये एग्जांपल भी सॉल्व हुआ। इसके बाद जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर अल्फा बीटा गामा, यानी कि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, अब बारी है क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स पता करने की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने रूट्स होते हैं, दो, क्योंकि उसकी डिग्री होती है टू। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो है तीन, इसलिए इसके रूट्स भी जो होते हैं तीन, और तीनों रूट्स का नाम क्या दे दिया हमने, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब अज्यूम कर लेते हैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। यू कैन चेक दैट कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो कब होगी, जीरो अगर हम x इक्वल टू 4 रख देते हैं या फिर x इक्वल टू माइनस 2 रख देते हैं या x इक्वल टू 1 बाय 2 रख देते हैं, तब इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी पूरी, यानी कि 4 माइनस 2 एंड 1 बाय 2 क्या हैं, इस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स हैं। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन सम ऑफ द जीरोज। अब यहाँ पे अगर हम देखें सम ऑफ द जीरोज करें, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, तो हमारे पास आएगा 5 बाय 2। अब 5 बाय 2 का मैं क्या पैटर्न बना सकता हूँ, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि बी बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए, सो माइनस बी बाय ए विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द जीरोज। इसके बाद दूसरा जो रिलेशनशिप मैं बना सकता हूँ वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि यहाँ पर है 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 बाय 2, तो ये कट के कितना आएगा माइनस 4। अब माइनस 4 के लिए मैं क्या पैटर्न बना सकता हूँ कि माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर 8 थी, डिवाइड कर दूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब से यानी ए से, जो कि यहाँ पर 2 था, तो आ गया माइनस 4। तो ये एक दूसरी रिलेशनशिप बन गई मेरे पास। अब एक तीसरी रिलेशनशिप भी बन सकती है कि अगर मैं कर दूँ 4 इंटू माइनस 2 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस कर दूँ बीटा इंटू गामा और फिर प्लस कर दूँ गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये इक्वल टू होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी कि सी डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए यानी सी बाय ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए भी मेरे पास तीन पैटर्न बनकर आ गए हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा है अल्फ़ा बीटा एंड गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी बाय ए। तो ये तीन इक्वेशन निकल कर आ गए हैं रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद ये तीन हमारे पास रिलेशनशिप निकल कर आ गए क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल फाइव, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाय 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स।
अब अगर 3-1 एंड -1/3 अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो अगर x की जगह इन तीनों की वैल्यू रखेंगे बारी बारी, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए फंक्शन की? जीरो। तो वैसा ही इस एग्जांपल में किया है कि इक्वेशन में x की जगह पहले 3 रखा, वैल्यू इक्वेशन की जीरो आई, फिर x की जगह -1 रखा, पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आई, फिर x की जगह -1/3 रखा, पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आई। हैंस प्रूफ हो गया कि ये तीनों जो हैं ये जीरो वैल्यू हैं ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल इक्वेशन। इसके बाद हमें प्रूफ करना था जो ये रिलेशनशिप हमने पढ़ रखे हैं इनको, तो हमने क्या किया, जो तीनों वैल्यू हैं 3-1 एंड -1/3, तो सबसे पहले हमने किया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जब हमने किया तो हमें रिजल्ट में मिला 5/3, और 5/3 इज इक्वल टू -b/a इक्वेशन में, माइनस बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, बी की वैल्यू है -5, सो -(-5) अपॉन ए क्या है इक्वेशन में 3, सो आगे हमारे पास 5/3, हैंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज प्रूव्ड टू बी -b/a। इसके बाद हमने दूसरा जो रिलेशनशिप है जीरोस के लिए वो प्रूफ करना शुरू किया कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। सो जब हमने ये LHS कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई -11/3, और जब हमने c/a किया तो कांस्टेंट टर्म कितनी है इक्वेशन में, 11 माइनस का, और a की वैल्यू 3, सो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप प्रूव हो गया। इसके बाद हमने थर्ड जो रिलेशनशिप है वो प्रूफ करना शुरू किया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो यहाँ पर भी हमने देखा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जब हमने किया 3-1 × -1/3, सो 3 से 3 कटा एंड +1 आया, एंड हमने जब -d/a किया, -d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, सो -(-3) विल बी इक्वल टू +3 एंड डिवाइड बाय a जो कि है 3, सो 1, सो तीसरा रिलेशनशिप भी प्रूफ हो गया है क्यूबिक पॉलीनोमियल के रूट्स को लेकर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 भी पूरा हुआ। नाउ एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। हमें नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और बोला गया है कि इनके रूट्स पता करो, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे दो, उनको वेरीफाई भी करो। दूसरा इक्वेशन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसके लिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ के बतानी है जो कि उस कंडीशन ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फिट बैठे। सो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो रिज्यूम करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आगे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सो क्वेश्चन 1 जो है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। तो पहला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो है x²-2x-8। अब यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे, तो कोफिशियंट ऑफ x² है 1 * कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 8, सो मल्टीप्लाई करने पर आया 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 4s, 2 2s, and 2 1s, तो हमारे पास आया है 3 × 2, सो 3 × 2। अब इसका कुछ प्रोडक्ट और एडिशन ऐसे करो कि मिडिल टर्म जो है 2 वो आ जाए हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, x² - (-8), पीछे वाला साइन बीच में लिखा हमने, अब हमारे पास था 2 2 2, अब इस 3 2 को कुछ ऐसे प्रोडक्ट और प्लस करो कि जो बीच वाला टर्म है 2 वो आ जाए, सो 2 2 ज़ा 4, और जो बीच का साइन होता है वो हमें करना होता है, तो यहाँ माइनस है तो हमें माइनस करना है, सो 2 2 ज़ा 4 - 2 विल बी इक्वल टू 2 जो कि मिडिल टर्म है, तो इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो पहला हो गया 4x और दूसरा हो गया 2x, सो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब हमारे पास स्प्लिट होने के बाद कौन कौन से टर्म बचेंगे, एक यहाँ पे हमने x कॉमन लिया सो बचा x-4, और दूसरा यहाँ पर हम -2 कॉमन ले लेंगे सो हमारे पास बचेगा x-, यहाँ पर -+ होगा सो +2 होगा, +2x - 8, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे सो x-4 बचेगा। अब x-4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x-4 को एक पेयर बनाएंगे और दूसरा पेयर बनेगा x+2 का, तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपकी पूरी हो गई, और आपके पास जो फाइनल आएगा वो होगा x-4 और x+2। अब x-4 को 0 से इक्वेट करूंगा क्योंकि मुझे 0 वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी 4, तो एक रूट जो है वो है 4, दूसरे रूट के लिए x+2 को 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -2, सो हमारे पास दोनों रूट्स निकल कर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कि हैं 4 and -2। अब हमें जो रिलेशनशिप थी अल्फ़ा और बीटा के लिए उसको वेरीफाई करना है, सो हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा यहाँ पर है 4 एंड बीटा है यहाँ पर -2, सो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2। अब यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, बी की वैल्यू है -2, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में 1, सो 2, हैंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जो कि प्रूफ हो गया। सेकंड जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था वो था अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a,
सो अल्फा यहाँ पर है हमारे पास 4 इंटू माइनस 2, सो यहाँ पर आया माइनस 8 विल बी इक्वल टू सी। अब सी क्या है इस इक्वेशन में, माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1, सो यहाँ पर भी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। सो ये भी प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस जो हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रूफ हो गई हैं। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है हमें 4s² - 4s + 1, तो यहाँ पर s² का जो कोफिशियंट है और जो 1 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 2s are 2 1s are, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आया 2 and 2। अब इसको स्प्लिट करते वक्त हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4s² - लगाया पीछे प्लस 1, पीछे का साइन बीच में आया, तो अब 2 और 2 को कुछ इस तरह से प्रोडक्ट या फिर ऐड करो कि अपने पास 4 आ जाए। सो 2 + 2 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस किया। सो 2x + 2x, अब यहाँ पर हम पेयर्स बनाएंगे कॉमन, तो हमारे पास पेयर्स जो बनेंगे वो होंगे 2s - 1 and 2s - 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट निकल कर आएंगे 1/2 and 1/2। यहाँ पर अगेन आपको प्रूफ करना होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, जो कि प्रूफ हो जाएगा आसानी से। इसके बाद थर्ड जो इक्वेशन है यहाँ पर है आपके पास 6x², तो कोफिशियंट ऑफ x² 6 इंटू को कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है -3। सो 6 3 18, 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 9 3 3 3 1, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर जो निकल कर आए हैं वो हैं 2 3 3। अब इनको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 6x² - पीछे -3, पीछे वाला साइन बीच में आएगा। अब 2 3 3 इनके प्रोडक्ट को कुछ ऐसे अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल टर्म है यानी कि -7 है, जो 7 है वो आ जाए। सो 3 3 9 एंड 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7, जो कि मिडिल टर्म है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 9x - 2x एंड फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर कॉमन फैक्टर को, तो हमारे पास जो पेयर्स बचेंगे वो होंगे 3x कॉमन लेने के बाद 2x - 3 एंड यहाँ पर 1 कॉमन लेने के बाद 2x - 3। अब 2x - 3 कॉमन है, सो एक पेयर बनेगा 2x - 3 का, दूसरा बनेगा 3x + 1 का। यहाँ पर x निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 3/2, और यहाँ पर 3x + 1 को मैं इक्वेट करूंगा 0 से, तो दूसरे 0 की जो वैल्यू है वो आएगी x = -1/3। सो यहाँ पर हमारे पास दो रूट आ चुके हैं इस इक्वेशन के। आपको फिर से जो दो कंडीशंस हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये प्रूफ करनी होंगी जो कि आसानी से हो जाएंगी। इसके बाद जो इक्वेशन है वो है 4u² + 8u। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 4u² + 8u + 0u + 0 इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद आपके पास आएगा 4u² + 8u + 0u + 0u। अब ये 0u + 0u टोटल वैल्यू 0 है तो इसको हटा देंगे हम, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4u² + 8u। अब इसमें से हम 4u को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा u + 2। अब यहाँ पर हम इन दोनों को ही 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो होंगी u = 0 and u = -2। सो ये दो रूट्स हमारे पास निकल कर आ गए हैं। इसके बाद जो अगली इक्वेशन है वो है t² - 15। अब इसका अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो अगर नहीं होता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ईजिली तो यानी कि वहाँ पर कोई और हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी आइडेंटिटी लगाई, हमें पता है a² - b² = a + b (a - b), तो हमने वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी। हमें दिख रहा था टी स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर की तरह दिख रहा है, अब ये जो 15 है इसे भी किसी के स्क्वायर की तरह बनाना है, तो हम लिख सकते हैं √15² तो हमारे पास हो जाएगा t² - √15² यानी a² - b². अब हम इसको आसानी से स्प्लिट करके लिख सकते हैं एज t + √15 and t - √15। अब इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो t की वैल्यू आएगी -√15 और इसको इक्वेट करूंगा तो t की वैल्यू आएगी +√15। तो ये दोनों रूट आ गए इस इक्वेशन के। आप वो जो दोनों जीरोस की कंडीशंस हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस बी बाय और यहाँ पर सी बाय, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे और वेरीफाई करके चेक करेंगे रूट्स की वैल्यू को। इसके बाद आखिरी जो इक्वेशन है वो है 3x² - x - 4। सो यहाँ पर आप 3x² का कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट 4, 3 4 12 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 2 3 3 1, सो 2 2 3 आए आपके पास अगेन। अब 2 2 3 को कुछ इस तरह से प्रोडक्ट करिए आप कि आपके पास मिडिल जो टर्म का कोफिशियंट है 1 वो आ जाए। अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 3x² - (ब्रैकेट पीछे क्या है -4, पीछे वाला साइन बीच में आ गया, पीछे हमेशा कॉन्स्टेंट लिखते हैं। अब हमारे पास था 2 2 3, अब 2 2 3 को कुछ इस तरह से यूज़ करो कि मिडिल जो वैल्यू है 1, x का जो कोफिशियंट है 1 वो आ जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे,
टू टू ज़ा फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, सो हम लिख देंगे फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स, तो आ गया वन मिडिल वाला टर्म, बस यही चाहिए था हमें। अब हम स्प्लिट कर देंगे, कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंड माइनस थ्री एक्स माइनस फोर माइनस फोर, यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लिया तो आ गया हमारे पास थ्री एक्स माइनस फोर, एंड यहाँ पर हमने माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स होगा, तो यहाँ पर हमने माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ पर हमने प्लस वन कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा थ्री एक्स माइनस फोर। हैंस हम जब कॉमन पेयर्स को एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास दो पेयर जो फाइनली बनकर आएंगे वो होंगे थ्री एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस वन। अब अगर इसको जीरो से इक्वेट करूँगा तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी फोर बाय थ्री, और अगर इसको इक्वेट करूँगा जीरो से तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। हैंस मेरे पास दो रूट की वैल्यू आ गई हैं। अब आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वाली जो रूट्स की इक्वेशन है उसमें इन दोनों वैल्यूज़ को रख के वेरीफाई करेंगे कि सही हैं या नहीं, यहाँ पर माइनस बी बाय ए और यहाँ पर सी बाय ए, जो कि ईजिली प्रूफ हो जाएंगी। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें हमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है और हमसे बोला है कि इसके बेसिस पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। सो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हमें पता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, इसको हम सिंप्लीफाई करके रूट के फॉर्म्स में कुछ इस तरह लग सकते हैं, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था पहले। सो अब यहाँ पर हमें दे रखा है सम ऑफ द जीरोज इज़ वन बाय फोर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम वन बाय फोर रख देंगे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ माइनस वन दे रखी है तो यहाँ हम माइनस वन रख देंगे। इस तरह से हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस वन बाय फोर रखा एंड वन बाय फोर रखा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह माइनस वन रखा तो हमारे पास निकल कर आया के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर हमने एलसीएम दे दिया। अब एलसीएम लेने के बाद अगर मैं के की वैल्यू बाहर फोर मान लेता हूँ तो वो फोर और डिनोमिनेटर का फोर कट जाएगा और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी जो कि होगी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, जिसका जीरो जीरोस का जो सम होगा वो होगा वन बाय फोर और जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस वन। हैंस दिस इज द इक्वेशन दैट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगला जो है इसमें हमें सम ऑफ द जीरोज़ दिया है वो है रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो दिया है वो है वन बाय थ्री। सो अगेन इस जनरल इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे रूट टू एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे माइनस वन बाय थ्री एंड वी विल सॉल्व द इक्वेशन एंड वी विल गेट दिस स्टेप वेयर के इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। अब अगर के की वैल्यू थ्री मान लूंगा मैं तो मेरे पास एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी जो होगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोज़ का जो सम है वो है रूट टू और जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो है वन बाय थ्री। अगेन थर्ड क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दे रखा है जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है रूट फाइव। सो अगेन जनरल इक्वेशन में मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह रखूंगा थ्री एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह रखूंगा रूट फाइव एंड ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन आई विल गेट दिस स्टेप वेयर के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। सो हेयर इफ आई अज्यूम के इक्वल टू वन देन आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। आफ्टर दिस क्वेश्चन फोर, so in this sum of the zeros is 1 and product of the zeros is also 1, so in the general equation I will put at alpha plus beta 1 and at place of alpha into beta I will put 1, so on solving the equation I will get k in multiply bracket ke andar x square minus 1 plus 1 and if here I assume k equal to 1 then I will get the quadratic equation x square minus x plus 1. Now the next question is sum of the zeros is minus 1 by 4 and product of the zeros is 1 by 4, so again in the general form of the equation I will put at the place of alpha plus beta as minus 1 by 4 and alpha into beta as 1 by 4. On simplifying I will get to this stage where I will get k into bracket ke andar 4x square plus x plus 1. I will get to this stage where I will get k into bracket mein 4x square plus x plus 1 denominator mein 4. If I assume k is equal to 4 then I will get a quadratic equation equal to 4x square plus x plus 1 which is the required quadratic equation. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोस इज फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज वन। ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन द जनरल इक्वेशन एट प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आई विल पुट फोर एंड एट प्लेस ऑफ अल्फा इनटू बीटा आई विल पुट वन। आई विल गेट टू दिस स्टेज ऑन सिंप्लीफाइंग वेयर के इनटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। इफ आई अज्यूम के इज इक्वल टू वन देन आई विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज वन एंड सम ऑफ द रूट्स इज फोर। सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।